हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच की स्टडी करेंगे। बच्चों, ये जो लेसन है वह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी का जो सार है, इसमें एक शंकु नाम का एक गरीब मजदूर होता है और वो एक कारखाने में काम कर रहा होता है। उसकी मजबूरी और मानसिक दशा का वर्णन इस कहानी में किया गया है। शंकु चोर तो नहीं था, लेकिन निर्धनता और उसके कर्ज ने उसे इंजीनियर की घड़ी चुराने के लिए बाध्य कर दिया था। लेकिन उसकी जो चेतना है, उसने उसे हिम्मत दी और उसने जो चुराई हुई घड़ी को इंजीनियर की मेज़ पर पुनः वापस रख दिया। यही इसका सार है। तो चलिए इस कहानी को लाइन वाइज पढ़ते हैं। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। पिछली अनेक रातों की तरह शंकु उस रात भी नहीं सो सका। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इससे कोई काम नहीं बना। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। वह जितना ज़्यादा वह सोचता था और उतना ही ज़्यादा उसे चिंता अधिक मालूम होती थी, वह चिंतित रहता था। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। फिर उसने क्या किया, अंधेरे में अपनी आँखों को बंद कर लिया और अपनी फटी हुई चादर चटाई पर वो लेट गया। एंड येट ही कुड सी एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। तो भी उसे सब कुछ, जब वो लेट गया, फिर भी उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मानो ऐसा लग रहा था मानो वह दिन की रोशनी में देख रहा हो। क्या क्या देख रहा था? द डिजर्टेड ऑफिस रूम। वो डिजर्टेड मीन सूना पड़ा हुआ वो दफ्तर का कमरा, उसके ऑफिस का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। जब प्रत्येक व्यक्ति, हर आदमी वहाँ का, जो कारखाने का हर आदमी दोपहर के भोजन के समय बाहर चला जाता था। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज। और जो कांच की जो खिड़की थी वो क्या, थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी सी भिड़ी रहती थी। नो वन एंड ऑफ द टेबल इन साइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स। और अंदर रखी हुई टेबल के एक किनारे पर एक मोटी सी किताब रखी, वॉल्यूम्स, फैट वॉल्यूम्स, मोटी सी किताब रखी हुई थी। एंड एट द अदर एंड ए पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ। और दूसरे किनारे पर एक कलम थी और एक स्याही की एक बोतल थी, और ऐसी ही और भी चीज़ें रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चैन प्लेस्ड ऑन ए बुक। और इन्हीं के बीच में एक किताब के ऊपर एक सोने की घड़ी थी और जिस पर सोने की चैन थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। खिड़की को खोलेंगे और अपने हाथ करीब एक फुट आगे बढ़ाएंगे तो आप उसे उठा सकते हैं। किसे? घड़ी के लिए। एवरीवन इज आउट फॉर लंच। हर व्यक्ति, मतलब प्रत्येक उस कारखाने के व्यक्ति है, वो सभी खाना खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए बाहर चला गया होता है। नोबडी विल नो, और किसी को भी मालूम नहीं होगा, मतलब कोई नहीं इस बात को जान पाएगा। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कवर्डिस एंड हिज वैशिलेशन ड्यूरिंग द फ्यू पास्ट फ्यू डेज। वैशिलेशन कहते हैं हिचकिचाहट, कवर्डिस कहते हैं कायरता। तो पिछले कुछ दिनों में शंकु के अपनी जो लगातार जो कोशिशें थीं, अपनी जो कायरता थी और जो हिचकिचाहट थी, वो याद आने लगती हैं। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट द टाइम।
उस समय उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया था, एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड। कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, फिर भी वह वहाँ डर रहा था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस, और कांप रहा था और उसकी धड़कनें जो हैं वो तेज़ी से चलने लगी थी, ब्रेथलेस हो गई। ही दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यही कारण था कि वह घड़ी लेने में हर बार वो रुक जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, और अब अधिक ज़्यादा लंबे समय तक टालम टोल करने से काम नहीं चलेगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग, यदि वह अब ज़्यादा लंबे समय तक बहुत ज़्यादा सोचा विचार ही करेगा तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ड आउट हीज इंटेंशन एक्सीडेंटली, और वो सोच रहा था कि शायद ऐसा न हो कि कभी मूर्तावश तरीके से अपनी मन की बात को जोर से ना कह दे। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसे अगले दिन वो जरूर लेना होगा, वह जरूर ले लेगा। सपोज ही डिड नॉट, अब वो सोचता है कि माना कि यदि मैंने नहीं लिया, यदि मैं उस वस्तु को नहीं लेता ले पाया तो फिर क्या होगा। संकोच थॉट बिगन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, थॉर्नी प्रॉब्लम्स कहेंगे पीड़ादायक समस्याएं। तो शंकु के जो विचार थे उसके अपने जीवन के जो समस्याएं थीं उसमें ही लगे रहे थे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, अगला दिन जो होगा वो महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर थ्री डेज ही वुड गेट हिज पे 13 rupees फॉर 13 days, अगले 3 दिनों में उसे 13 दिन का वेतन 13 रुपया ही मिलेगा। वो अपने जीवन के बारे लाइफ के बारे में वो सोच रहा था। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेस एट द स्टोर, एक दुकान से जो उसने चीज़ खरीदी थी उसे उसके लिए 4.5 rupees देने थे। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, अब 8.5 जो रुपए हैं अब उसके पास बचेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 out of the 10 rupees ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड ऑफ द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, और पिछले महीने जो है उसकी माँ की मृत्यु हुई थी तो उसकी मृत्यु की वर्षी के लिए जब वह घर गया था तब उसने जो है फंड में से उसने 10 रुपये लिए थे, उनमें से उसे अभी तक केवल 5 रुपये चुकाए हैं। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 paise a rupee बी, और वो कहता है कि उसे बाकी के 5 रुपये भी 6 paise प्रति रुपये सप्ताह की ब्याज के साथ उसे देने हैं। एट टी शॉप ही ओड ओवर 3 rupees फॉर 2 weeks बिसाइड्स प्रीवियस एरियर अमाउंटिंग टू 1.5 rupees, और चाय की दुकान पर पिछले दिनों से चले आ रहे उसके कितने 1.5 rupees के अतिरिक्त 2 सप्ताह के उसके कितने हो गए 3 रुपये से ज़्यादा उसे रुपये देने हैं। ही ओड 6 rupees टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीडीज एंड अदर ओट्स एंड एंड्स, और उसे 6 rupees किसको देने हैं अली के लिए, और वो जो सामान है चावल बीड़ी और अन्य चीज़ों के लिए उसे अली को अदा करने हैं। मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 rupees, और जो है मकान का किराया 3 rupees प्रति माह है। इन एडिशन
टू दिस सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन ऑफ 12 पैसे 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। इन सभी रकमों के अलावा, ये सारे पैसों के अलावा, उसने जो लिए थे 12 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे, ये छोटे छोटे जो कर्जे लिए थे वो और अन्य लोगों से ले रखे थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 डेज बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वोमैन। और जो उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाई थी कि 2 दिन पहले ही उसने 1 रुपया मछली वाली को दिया, उस मछली वाली को देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। अब जो शंकु मनी मन वो सारी पैसों को, सारी धनराशि को जोड़ लगाता रहा जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज। उसको केवल अब 8.5 रुपये ही मिलने वाले थे। वाट ही ओड वॉज 22 रुपीज 13 पैसे और उस पर 22 रुपये 13 पैसे का उसके ऊपर कर्जा भी था। ही हैड अदर नीड्स टू, और उसकी अन्य दूसरी भी आवश्यकताएं थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से भी उधार ले रखे थे। दिस वॉज आउट ऑफ सम सी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। और उसने जो 3 रुपये थे वो उसने उसी से लेकर धीरे धीरे करके सेव किए थे अपने बच्चे के वेस्ट चेन, अपनी कमर की तगड़ी लेने के लिए बच्चे की। ही हैड एज्योर्ड हर दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ। उसने अपनी पत्नी से वायदा किया था कि वे अपने उस महीने के वेतन से वो उसके लिए ज़रूर वापस दोबारा उसकी कमर की तगड़ी, मींस कमर की जो जंजीर है, कुंडली है, वो ले आएगा। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु का जो हृदय है अब वो अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट He could hear the harsh voice of tea shop owner Kochuni, alleged hollow laughter and vulgar words and irritating talk of Lonappan, who was in charge of the fund. अब उन्हीं दिल की धड़कनों के बीच, उनकी दिल की धड़कनों के माध्यम से वो क्या सुन रहा था कि उस चाय का जो ओनर है ना, जो टी शॉप है, टी शॉप ओनर है कोचुन्नी, उसके हार्श वॉइस के, उसके तीखे स्वर को वो सुनाई दे रहे हैं, उसके तीखे स्वर सुनाई दे रहे हैं। और अली की खोखली वाली हंसी और बेहुदी गालियां उसे सुनाई दे रही हैं। और जो लोनप्पन है, जो फंड का इंचार्ज है, उसकी क्रोध भरी बातें अब उसे सुनाई दे रही हैं। ही फेल्ट दैट They were all surrounding him like rowdy boys armed with sticks gathering around a stray dog. स्ट्रे डॉग कहेंगे एक तरह से आवारा कुत्ता की तरह। तो अब उसे ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग उसे एक शरारती लड़के की तरह, रोडी बॉयज शरारती लड़के की तरह हाथ में लाठी लेकर एक आवारा कुत्ते की तरह से घेरे हुए हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयंकर यह दृश्य था। फाइंडिंग इट अनवियरेबल शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। अब इन सबको देखते देखते, वो सोचते सोचते असहनीय पाकर अब शंकु क्या हो गया, अपने उसने करवट को बदल लिया और वो सोचने लगा फिर, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। अब मेरे पास कल इसे उठाने के अलावा, इसे किसे घड़ी को उठाने के अलावा
अब कोई अल्टरनेट मतलब अब कोई चारा नहीं है। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीस, और उससे कम से कम क्या उससे कम से कम 20 रुपये तो मिल ही जाएंगे। इवन 15 विल डू, 15 तक तो काम चल जाएगा। 15 + 8.5 दैट इज 23.5 रुपीस, 15 और 8.5 अर्थात 23.5 रुपये होते हैं। इट विल फेच मोर देन 15, और इससे 15 रुपये से अधिक ही मिल जाएंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स एंड लिव इन पीस, और उससे क्या होगा वह अपना कर्जा भी उतार देगा और शांति से रहने लगेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, और एक उसकी जीवन कैसा हो जाएगा, कर्ज से मुक्त जीवन हो जाएगा। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, इस तरह से वो आराम के साथ वह नींद में डूब गया। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई। वाट आर यू स्टिल असलीप, शंकू'स वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। शंकू की पत्नी उसके कंधा को हिलाते हुए कहती हैं कि क्या आप अभी तक सो रहे हैं। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले बहुत देर हो चुकी है। शंकू रेज हिज हेड एट वंस, शंकू ने अपने सिर को उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज ट्रॉलिंग अप टू हर, और उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे के लिए जो उसका छोटा बच्चा था उसे गोद में उठा लिया जो उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकू, तब उसने शंकू से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, कि क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है। ओ यस ही सेड एंड गो आउट ऑफ बेड, उसने कहा अरे हाँ, उसने कहा और एकदम से बिस्तर से वो उठ गया। तो बच्चों आज यहीं तक, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, 6 वार नेक्स्ट वीडियो में होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।